कश्मीर के नेता झूठ बोलना। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 5 मरले जमीन देने के फैसले का यहां कश्मीरी नेता विरोध कर रहे हैं और सरकार पर बाहरी लोगों को प्रदेश में बसाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सरकार के इस फैसले का कई राजनीतिक दल समर्थन भी कर रहे हैं और इस फैसले को गरीब लोगों के हक में लिया गया सरकार का फैसला बता रहे हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी सरकार के भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 5 मरले जमीन देने के फैसले का स्वागत किया और कश्मीरी नेताओं पर आतंकी संगठन TRF की बोली बोलने का आरोप लगाया। इस अवसर पर शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि सरकार गरीब लोगों को जमीनें दे रही है और कश्मीर के कुछ नेताओं को यह पच नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नेता आतंकवादी संगठन TRF की बोली बोल रहे हैं जिसे जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अशोक गुप्ता ने जम्मू कश्मीर सरकार से आतंकियों की भाषा बोलने वाले लोगों को जेलों में बंद करने की मांग की है। अंदर वाले बाहर वाले अंदर वाले, और TRF की बोली यहाँ बोलने का प्रयास हो रहा है। TRF बोल रहा है, वही बोली कश्मीर के नेता बोल रहे हैं। कश्मीर के नेता बोल रहे हैं, मैं इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए मांग करना चाहता हूँ, अंदर वाला बाहर वाला नहीं चलेगा। और ये जो लोग उग्रवादी भर्ती कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, ये नहीं चलने वाले हैं, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बिल्कुल मांग करना चाहता हूँ सारे संदर्भ के अंदर, ये TRF की भाषा कोई कश्मीरी नेता बोल रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए उन लोगों को पकड़ करके अंदर करने का प्रयास करो जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बातें कर रहे हैं और मिलिटेंसी को दोबारा रिवाइव करने की बातें।